की शक्ति को पहचानो। और ये संकल्प लो कि जो भी ब्राह्मण जहां से भी खड़ा होगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो हमारा घर का आदमी होगा। और सबसे पहले हम उसको किसी भी कीमत पर, हमने दुनिया को राजनीति सिखाई है, हम अपनी राजनीति से उसको विजयी बनाएंगे और हमारा अस्तित्व पूरे क्षेत्र में फैलाएंगे, पूरी जगह विधानसभा में फैलाएंगे, जिससे जो आज ये समस्या, देखिए जब तक राजनीति में आपका हस्तक्षेप नहीं होगा, आपका वापस अस्तित्व नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होने वाला। राजनीति में अपना हस्तक्षेप कराना बहुत जरूरी है और उसका रास्ता यही है। आप ये क्यों नहीं मानते, और अभी दीक्षांत भाई साहब ने भी कहा, कह रहे थे ये बात बड़ी सही है कि आप लोग आज माता बहने बैठी हैं, सब लोग बैठे हैं आज मेरे व्यापार में, कोई बिल्डिंग के व्यापार में है, कोई सरकारी काम में है, आपको कसम लीजिए आज इसकी इस जगह पे कि सबसे पहले प्राथमिकता और सबसे पहले अगर किसी का हित देखेगा तो ब्राह्मण पहले अपने ब्राह्मण भाई का देखेगा। जैसे आज मेरे व्यवसाय में मैं 70% ब्राह्मणों को रोजगार देने की रखता हूं, उसी प्रकार मैं चाहता हूं कि आप माता बहने कहीं जो सामान खरीदती हैं सबसे पहले अपने ब्राह्मण भाई के से खरीदिए, और भी जो भी कोई कार्य कर रहा है सबसे पहले ब्राह्मण की रक्षा कीजिए, सबसे पहले उसका हित करिए। इससे अपनत्व भी होगा और निश्चित रूप से हमें एक वो आपसी प्रेम बढ़ेगा जिससे कि इस समाज का कल्याण होगा। आप इतने माध्यम से यहां लोग खड़े हुए आए हुए हैं, बैठे हैं, ललित मिश्रा जी आप धन्यवाद के पात्र हैं। आज इस समय पर उन सबको याद दिलाने के लिए जो आपने इस शक्ति का प्रदर्शन किया है, आपकी ये सफलता निश्चित रूप से इस इतिहास ब्राह्मण समाज में आपको जो है इसको आपका जो है आभार प्रकट करती है और आपको धन्यवाद का पात्र बनाती है। और हम उम्मीद रखते हैं कि इस आज इस सीकर क्षेत्र में जो एकता का प्रदर्शन और जो ब्राह्मणों के सुझाव, मैं रिपीट करूं कोई फायदा नहीं, उसका मैसेज सब जगह जाए और उस पर पूरी क्रियान्वित हो और सब लोग उसको निभाएं, सब एकता का प्रदर्शन करें और आने वाले कहीं भी ब्राह्मण का कहीं हो, कोई घर की लड़ाई घर में रखें, कोई बात करें दूसरे से उसको किसी प्रकार की बात को आगे नहीं आने दें, और इसका संकल्प लेते हुए एक दूसरे की मदद का संकल्प लेते हुए निश्चित रूप से इसको आह्वान को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय गिरिराज। बहुत ही खूब आदरणीय जेमिनी साहब, जिन्होंने अपनी उद्यमिता से व्यवसाय जगत में एक बहुत ऊंचाई प्राप्त की, वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो बड़ा काम वो कर रहे हैं कि अपने 70%। जय परशुराम। सम्मानित मंच, मंच पे विराजमान सभी विशिष्ट अतिथिगण व पधारे हुए सभी मित्र बंधु, माताओं, बहनों, आप सबका इस ब्रह्म आक्रोश महापंचायत में हार्दिक अभिनंदन स्वागतम करता हूं। आज आप सबको देखकर इस बात की प्रसन्नता हो रही है कि ब्राह्मण सब एक है, यहां कोई राजनीतिक मंच नहीं है। राजनीतिक मंच पे तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इस सामाजिक मंच पे आप सभी लोगों की इतनी संख्या में तादाद देख के अपने आप में एक हिम्मत आती है कि ब्राह्मण मिलके सब कुछ कर सकते हैं। और आप सबको पता है कि 16% ब्राह्मण होने के बाद भी हम हर क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, इसलिए मैं आप सबको एक ही बात कहता हूं कि अपन सबको एकता का परिचय देना है और राजनीतिक पार्टियों को वोट की ताकत दिखानी है। इसलिए मैं आप सभी से बार बार इसी बात का अनुरोध करता हूं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपन को वोट की ताकत दिखाकर ब्राह्मण की ताकत दिखानी है।
और आज ब्राह्मण हर क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। मेरे पास अभी भी फोन आया है कि इस सभा में 3 बजे तक का अपने टाइम लिया हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि भाई साहब 3 बजे ही सभा को पूर्ण कर देना, आज ब्राह्मण की कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप सभी को यही कहता हूं कि आप हमारी ताकत बनिए, अपन को सबको मिलके एक नेता चुनना है, एक आवाज पे सबको एकजुट रहना है और वोट की ताकत दिखानी है। समय का अभाव रहते हुए मैं ज्यादा आपसे नहीं कहना चाहता, और हमारी 5 मांगे हैं उसके बारे में भाई ललित जी आपको सब विस्तार से बताएंगे। समय का अभाव रहते हुए मैं अपने वाणी विराम करता हूँ। जय भगवान परशुराम। ललित जी का सम्मान एक प्रतीक है, सम्मान तो इस ब्रह्म समाज का हो रहा है, और जिस संख्या में आप लोग पधारे हैं, जिस जोश के साथ ये उद्घोष हुआ है, मैं सोचता हूं कि यही ललित जी का असली सम्मान है। मैं कुछ पंक्तियां कह देना चाहता हूं और ललित जी का सम्मान हम सब लोग मिलकर करेंगे कि तन मन जीवन अर्पित कर दो इस अभिनव अभियान को, तन मन जीवन अर्पित कर दो इस अभिनव अभियान को, वंदन कर लो अमर शहीदों के खूनी बलिदान को, हिम शिखरों से ऊंची कर दो हिंदुस्तानी शान को, और वक्त पड़े तो मस्तक दे दो ब्राह्मण स्वाभिमान को। वक्त पड़े तो एक बार ये कमजोर तालियां थी, माफ करना मुझे, कमजोर तालियां थी। हम ललित जी का सम्मान कर रहे और घनघोर तालियों के साथ करना चाहते, 2 पंक्तियां और पढ़ता हूं। मुझे जब मैं यहां आ रहा था, मैंने बताया मैं किस आयोजन में जा रहा हूं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ब्राह्मण मदहोश है। मैंने कहा नहीं, इसका जवाब मैं उस मंच से देना चाहता हूं। मदहोश नहीं, ये जोश हमारा होश है, और संतोष नहीं घोष ही ब्रह्म का आक्रोश है, ये घोष ही। आपके जयकारों की गूंज व्यर्थ नहीं जाएगी, आपके जयकारों में ताकत रही, आपके जयकारों में ताकत रही, तो मैं कह देना चाहता हूं अद्भुत की ये मत सोचो बड़ा हुआ ये कदम कहीं रुक जाएगा, सोचो बड़ा हुआ एक एक हाथ उठे आकाश की फिजाओं में, ये मत सोचो कि बड़ा हुआ ये कदम कहीं रुक जाएगा। किसी मेरे बड़े वक्ता ने कहा कि हम 10 साल लेट हो गए, 10 साल विलंब हो गया। हम तो उस देश के वासी हैं, हम तो उन लोगों के वंशज हैं कि याद करो जलियांवाला जब मौसम आदम खोर हुआ, इंकलाब के नारों में जब बलिदानों का दौर हुआ, अरे कौन सजा देता डायर को, वो शासन ही हत्यारा था, पर उधम सिंह ने उस डायर को लंदन जाकर मारा था। उठो हिमाद्री तुंग शिखर की तुमल घोष ललकार, उठो कुरुक्षेत्र के कण कण में अब शब्द वेद टंकार, उठो हल्दी घाटी रण प्रांगण में, हल्दी घाटी रण प्रांगण में रा के होंकार उठो, और बंग ऋषि कुल परशुराम के फंसे वाली तार उठो, बंग ऋषि कुल परशुराम के परसे वाली धार उठो, बंग ऋषि के से वाली धार उठो। अंतिम पंक्तियों के साथ अपना स्थान लेना चाहता हूं कि वेद भूमि की मर्यादा का मान नहीं जाने देंगे। मैं आप सबकी तरफ से राजस्थान के ब्रह्मकुल की तरफ से निवेदन कर रहा हूं कि वेद भूमि की मर्यादा का जो लोग मेरे भीलवाड़ा हमारी जमीन पर पधारते हैं, बहुत मान सम्मान से हम उनका अभिनंदन वहां पर करते हैं, आज मैं उन सबके दर्शन याद कर रहा हूं, तब कहना चाहता हूं जेमी साहब भाई साहब निवेदन करना चाहता हूं कि वेद भूमि की मर्यादा का मान नहीं जाने देंगे, ब्रह्म आक्रोश की राहों में व्यवधान नहीं आने देंगे। संकल्प की पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आपके हृदय की बात पढ़ रहा हूं कि वेद भूमि की मर्यादा का मान नहीं जाने देंगे,
ब्रह्म आक्रोश की राह में व्यवधान नहीं आने देंगे, अरे खुद की ठपली खुद की धुन पर राग नहीं गाने देंगे, परशुराम के वंशज का हक सम्मान नहीं जाने देंगे। एक बार मेरे साथ ऐसा नहीं, जयकारा हो तो ऐसे हो कि गगन भेदी टंकार हो। बोलिए भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। कदम बढ़ाकर तो देखिए और जल जाएंगे करोड़ों दीप इस पावन हिंदुस्तान में, अपने दिल में ललित मिश्रा जी की तरह विप्र सेवा का दीप जलाकर तो देखिए। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय ललित मिश्रा जी। अरे मंच पर विराज रहे मेरे अग्रजन और पूरे पंडाल में विराजे हुए मेरे श्रेष्ठ जनों को मैं प्रणाम करता हूं, साथ ही मातृशक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूं और युवा साथियों को जय श्री भगवान परशुराम। हुआ करती थी सीकर में, और एक बात बता दूं मैं आपको कि जो सीकर की आवाज उठती है वो जयपुर नहीं दिल्ली तक पहुंचती है। मैं गांव का निवासी हूं, 10वीं क्लास पढ़ा हुआ हूं, आज से ही थोड़ी सी दूर पे गांव है संगरिया, और यहां राजपूत लाखों की तादाद में और जातों का तो कहना ही क्या। तो मेरा चंचल मन भी उमर उठता था, साथियों से बात करता था क्यों न ब्राह्मण समाज की भी एक रैली हो। तो मैंने घनश्याम जी साहब से, भवनलाल जी साहब से, अन्य हमारे लोगों से हमने बात करी कि ऐसी एक हमारी रैली हो, तो उन्होंने जवाब दिया मेंढक होते हैं ब्राह्मण, मतियों का भारा है, ऐसे है ऐसा हो नहीं सकता, ब्राह्मण कहां है कहां। तो मैंने उसकी समीक्षा चालू करी, अरे यार जयपुर में 20 लाख तो अकेले जयपुर में ही है, सीकर ब्राह्मण बहुल है, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, राजस्थान का एक भी कस्बा ऐसा नहीं है जहां पर ब्राह्मणों की कोई तादाद में कमी हो, और प्रत्येक गांव गांव में ब्राह्मण है, मगर हमें ऊपर से कोई सहयोग नहीं मिला। मेरे दोस्त एडवोकेट जितेंद्र जी, पुरुषोत्तम जी, सुरेश जी, डॉक्टर दिनेश माटोलिया जी और पूरे शेखावटी संभाग के मनोज शर्मा जी चूरू से, मतलब सभी लोगों ने मेरे को कहा हमने एक मीटिंग बुलाई यहां पर, और मीटिंग बुलाई तो सबने कहा भाई साहब हम आपके साथ हैं तो अपन बात कीजिए। तो हमने एक महाराष्ट्र थे निवृत्तिनाथ जी महाराज, मेरे से 20 बरस छोटे थे मगर गुरु थे, मैंने उनको बुलाया, महाराज से आशीर्वाद के लिए कहा कि महाराज 20,000 ब्राह्मण हम रामलीला मैदान में इकट्ठे करेंगे। अरे जब बोले पाक करो यार, क्या बात करते हो, ब्राह्मण के लड़के हो, सभा पे चला करो, 1,25,000 की बात करो, ब्राह्मण आए तो ब्राह्मण न आया तो ब्राह्मण का नाक कटेगा, तेरा क्या जाता है, तू इतना बड़ा नेता थोड़ा ही है, समाज सोचेगा ये बात। मगर मैं एक बात आपको बता दूं ब्राह्मण समाज की, हम सिर्फ सोशल मीडिया फोन अरे ऐसे अखबार के माध्यम से ब्राह्मण को नहीं बुला सकते, कारण की ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है, और हम लोगों की टीम ने 2002 में इस शेखावटी का ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं के फिंगरप्रिंट्स नहीं हो। सभी जगह जाकर हमने निवेदन किया कि भाइयों हमारे समाज की आन बान और शान का वो एक मैटर है, तो आपको रामलीला मैदान में पधारना है। ये सारे नेता वहां सर्किट हाउस में बैठे हुए थे, और यहां पर 11:45 पर सिर्फ 1700 आदमी थे यहां पर, और सभी जगह हमारी व्यवस्था थी, मेरे को मालूम था ऐसा होने वाला है, क्यों कि अगर रतनगढ़ से 73 गाड़ियां आती है तो मेरे अपने ही साथी थे, वो मेरे साथ झूठ नहीं बोल सकते। उनने कहा भाई साहब कम से कम 60 गाड़ियां तो आने ही वाली है, और 64 गाड़ियां लेके वो यहां पहुंचे,
तो मैं बताऊं आपको 12 बजे के ऊपर में सीकर का रामलीला मैदान ही नहीं, इधर दूसरा दरवाजा उधर रानी सती तक ब्राह्मण ही ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण को बुलाने का तरीका होता है जाके मिलना होता है, प्रेम से बात करनी होती है, समाज के बारे में समझाना होता है। इसी एक महीने में आप इतने भाई बैठे हैं, मैं सभी के पास गया हूं, शायद खुद मैं रात में 3 सुबह 6 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक आपके पास में गया हूं। और उसके बाद में भी हमने एक निवेदन किया था कि कोई भी एमपी कोई भी एमएलए हम यहां नहीं बुलाएंगे। मैंने कोई दूसरी बात नहीं है, वो मेरे भाई है, उनके लिए ही ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके लिए ही ये व्यवस्था बना रहे हैं। मगर आप लोग यहां बैठोगे तो आपकी पार्टी की ललक आप में जरूर आएगी, और इधर कांग्रेस का बैठेगा, इधर बीजेपी का बैठेगा, तो उनकी भावनाएं, उनका दिल अपने आप उनकी पार्टियों का समर्थन करके उनकी आवाज निकालेगी। तो मैं सोचता हूं कि आप लोग आइए, बैठिए, समाज क्या बोलता है, समाज की बात सुनिए। मैंने हमेशा से 28 वर्ष से राजस्थान ब्राह्मण महासभा का सबसे पुराना आदमी हूं, 1990 से मेरी भावनाएं हैं। मैंने कभी इन पंडितों का जो ये है ना विद्वता, इस पर अमल नहीं किया है। मैंने हमेशा इस लोकतंत्र में जो सबसे भली भांति जानने वाली कौम है, जाट समाज, उसको फॉलो किया है। अरे जन संस्कृत के स्वरूप और पर्यायवाची शब्दों से हम विद्वान नहीं हो सकते, विद्वान तो आचार्य चाणक्य था। तो आप सोचिए किस तरह से उन्होंने ये मौर्य वंश को या कौन सा उनको बना दिया और चंद्रगुप्त को राजा बना दिया। मगर ये बात हमें सोचनी है, चंद्रगुप्त ने खूबियां थी, भगवान परशुराम की मूर्ति लगाते हैं, भगवान परशुराम तो हमारे जो सप्तऋषियों में नहीं है, फिर क्यों? मगर इसका एकमात्र कारण है कि ये लाल आंखें लिए मूछे, और 21 बार क्षत्रियों का नाश, और ये तलवार फरसे से टपकती खून की बूंदे, ये आपको ज्यादा प्रभावित करती है। ये हमारे वो नहीं है, मगर इनसे आपको सीखने की जरूरत है, आप इनसे सीखिए। हमारे जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी देव हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ था, आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ था, उन्होंने अपनी सीखा खोली थी कि जब तक मैं नंद वंश को मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अरे आपका अपमान तो दिन में 3 बार होता है, 3 बार, सुबह दोपहर और शाम को। आपकी इस हिंदुस्तान में कोई महत्ता नहीं है, ब्राह्मण इस देश में एक विदेशी के समान है। आपके मूल अधिकार हुआ ये सरकारें हनन करती है। संविधान में स्पष्ट लिखा है हमारे भाइयों को, हिंदुस्तान के प्रत्येक भाई को रोटी मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, बीमार है तो दवाई मिलनी चाहिए, ये हमारे कई मूल अधिकारों में आते हैं। मगर कोई आपके मूल अधिकारों की चिंता नहीं करता है, 95% अंक लाने के बावजूद भी इस देश में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, मगर आपको क्रोध नहीं आता है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ब्राह्मण क्रोध ही नहीं होगा और जिद्दी नहीं होगा तो उसकी इस हिंदुस्तान में वो मटिया मैट हो जाएगा। आपको गुस्सा आना होगा, आपको क्रोधी होना होगा, आपके मन में किसी भी अनिति के विरुद्ध आपके मन में क्रोध उत्पन्न होना होगा। तो क्रोध नाम की तो आपके यहां चीज ही नहीं है, और उस क्रोध के बाद में जो अगर आप निर्णय लेते हो वो आपकी चित होनी चाहिए। अरे ये बीजेपी और कांग्रेस, इनका एकमात्र काम है सिर्फ वोट लेना। मैं 28 वर्ष में जहां जहां गया हूं, हमारे लोग हमें बोलते हैं, बोले मिश्रा जी 50% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर दिया, और ये सुनहरा मौका आ गया। मैं आपको बताता हूं, अरे इस देश में सुप्रीम कोर्ट की औकात क्या है इन राजनेताओं के सामने, है क्या बताइए? कोई उनकी औकात है क्या? तो फिर जब उन्होंने स्पष्ट एक देश के लिए बोला कि 50 ये जो एसटी एक्ट है इसके ऊपर में बिना इंक्वायरी के गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, और मोदी जी ने वहां जाकर के संसद में परिवर्तन कर दिया, ये मोदी जी की बहुत बड़ी गलती और कांग्रेस की उससे ज्यादा गलती कि उसने उसका समर्थन किया।
आप दोनों बातें देखिए और इसका एक भावार्थ निकालिए, कैसे बुद्धिमान हो आप लोग, समझते नहीं हो क्या? इनका एकमात्र एजेंडा है कोर्ट, कोर्ट के लिए मोदी जी ने ऐसा किया, कांग्रेस ने समर्थन इसलिए किया है कि नहीं, बात बताइए। मैं मोदी जी के अंदाज में पूछूं आपको, बोलो है कि नहीं? हाँ, तो ये बात रखिए, ब्राह्मण के अगर बेटे हो, आपके दिल के अंदर में अगर गुस्सा है, वरना गुलाम की तरह, आप गुलाम की तरह इन पार्टियों का वो करते रहोगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे मंत्री भोजन राजकुमार जी रिणुआ मेरे एकदम बड़े भाई की तरह है, मेरे को बहुत सम्मान करते हैं, तो बोले मिश्रा जी मैं मैडम के पास गया था, मेरे को ये देवस्थान बोर्ड का चेयरमैन बनाया, तो बोले पंडित जी आप जैसा दयालु आदमी, भक्ति वाला आदमी, आपको मुझे देवस्थान बोर्ड देकर के, और मेरे को बड़ी खुशी होती है कि अब इसका काम होगा। आपको यकीन नहीं होगा, मैं जहां बोलता हूं एकदम डायरेक्ट उन्हीं के सामने बोलता हूं, 10-20 आदमी थे वहां। भाई साहब ये बातें आप हमारे सामने मत कीजिए, आपके यार वन विभाग और खान विभाग आपसे लेकर के, और आपको 55 करोड़ रुपया सालाना है, आपकी गाड़ी का पेट्रोल के पैसे नहीं है उतने, और आप बड़े राजी हो रहे हैं, हम बड़े दुखी हैं, ये आपका अपमान है अगर आप समझो तो, मगर आप पार्टी के हो और पार्टी आपको जैसे रखती है आप जाने, मगर हमारे समाज के हिसाब से आपके साथ में अन्याय हुआ है, आपके साथ में दुर्व्यवहार हुआ। तो भाई साहब के बात में भी बोल देता बोले, और मैं आपको बताऊं, अरे थोड़ी बहुत आप इतनी सोचिए, जाट क्या करता है, राजपूत क्या करता है, जाटों की देखिए, मैं जाटों का खून फॉलो करता हूं, उनको उनका समर्थक हूं, और गुलामी करने से कुछ नहीं होगा, एक बार डरा के तो देखो इन पार्टियों को। अरे वो अलिफ लैला में आता है ना, एक तोता होता है, तोते की जान उस पिंजरे वाले तोते में होती है, अरे इन नेताओं की जान वोट में होती है, एक बार वोट का झटका दो, 100.5% ब्राह्मण हो, अरे 100 का 16। अरे देखो तालियां मत बजाओ, तालियां बजाने से मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तालियां किस चीज पे बजती है, तालियां, तालियों की जरूरत नहीं है, आप हौसला अफजाई दीजिए, मैं आपके लिए, हमारी टीम, हमारे राजस्थान में हजारों की तादाद में हमारे युवा साथी हमारे साथ है, आप हौसला अफजाई दीजिए, बात को खोल एकदम विचार कीजिए, और उसके बाद में देखिए, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि 10 साल के अंदर में कांग्रेस और बीजेपी को अगर घुटने नहीं टिका दूं तो मेरा नाम चेंज कर देना। 16.5% जनता, और वोट के दूसरे दिन आपकी औकात क्या है, वोट के दूसरे दिन आपकी औकात क्या है सोचो, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, अगर मैं गलत बोलता हूं तो आप वोट, मैं आज बताऊंगा आपको, सोच लेना 7 तारीख को मतदान है, और 8 तारीख को आप सोचना आपके साथ में क्या है। और मैं एक बात बता दूं, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों वोट की सौदागर है, और यहां हिंदू का नाम पे, मुसलमान के नाम पे, सांप्रदायिकता के नाम पे लोगों को बरगलाते हैं ये लोग। आप विचार कीजिए, सोचिए, मैं तो एक यहां तक अफगानिस्तान निर्माण राम की ये वो क्या बोलते हैं प्लेइंग रामलीला यहां होती है, तो मैं भगवान राम की भूमि बताता हूं इनको। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भगवान राम हो, और चाहे हिंदू हो, चाहे संस्कृति हो, अगर ब्राह्मण नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं रहेगा। आप याद कर लो मेरी बात को, सोचो आप कि आपकी जगह कोई दूसरा इस संस्कृति और हिंदू और हिंदुस्तान के लिए कोई बात करता है क्या? नहीं करता ना, तो आप क्यों चिंता करते हो? ये हिंदू और हिंदुस्तान इस बीजेपी और कांग्रेस के मां बाप का जागीर नहीं है, ये जागीर है तो हिंदुस्तान के ब्राह्मण समाज की जागीर है, ये हमारी संस्कृति है, हम इसके पोषक हैं, हम इसको बढ़ावा देते हैं, ये हमारे दिल और दिमाग में बसी हुई है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी होगी। अब देखो बोलने को तो बहुत बड़ी बड़ी बात है, और मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, देखिए 5 मांग है हमारी, 5 मांगे हैं। पहली मांग हमने रखी है 14% आरक्षण दे, हमारे बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, उस दुर्व्यवहार को आप रोकिए। हालत में अरे ऐसी मांग हमने पूरे आर्थिक आधार पर मांगी है,
या तो आर्थिक आधार पर हमें आरक्षण दो और वरना इसको खत्म करो। ये दो मांग हमारी होनी चाहिए। तो हमारी मांगे ये है कि आर्थिक आधार पे हमारे मूल अधिकारों का हनन है, ये आरक्षण जो हमारे साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है ये हमारे मूल अधिकारों का हनन है। मैं अभी हमारे सीनियर्स बैठे हैं, मैं इनसे विचार विमर्श करके और मैं हमारे मूल अधिकार की कॉपी लेके सुप्रीम कोर्ट तक मैं विचार कर रहा हूं कि वहां एक फाइल दर्ज की जाए कि हमारे मूल अधिकार इस देश में है या नहीं, ये हमें स्पष्ट किया जाए। अगर है तो हमें पढ़ने से वंचित क्यों किया जाता है। दूसरी बात है हमारी, दूसरी मांग हमारी है एक ब्राह्मण आयोग का गठन हो, 200 करोड़ की राशि हो उसमें, जो कई राज्यों में और जातियों का भी है, सुना है एक दो स्टेट में ब्राह्मण का भी है, तो हमें एक ब्राह्मण आयोग का गठन करना है। और यह सरकार से हम बोलते हैं, हमें ये अभी भारतीय जनता वाली पार्टी वाली सरकार के लिए यह एजेंडा नहीं है। यह जो नई गवर्नमेंट आएगी 13 दिसंबर के बाद में उसके लिए है, हमारी ये बात मांगे उस गवर्नमेंट के लिए। और जितनी ब्राह्मणों की संख्या है, ब्राह्मण है नहीं, थोड़े हैं, बिखरे हैं, नाना प्रकार की बात करने वाले हमारे भाई, मैं बता दूं जितनी ब्राह्मण की संख्या है उतनी लोकसभा और विधानसभा में हमारी भागीदारी चाहिए, एकदम चाहिए। अगर आशा तो एकदम देनी ही होगी, वरना ब्राह्मण को पूछ के ही कोई वहां जीतेगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी हमारे सोती साहब बोल रहे थे कि विप्र फाउंडेशन ने पहले बताया था 30 सीट, फिर बताया 40 सीट, आप बता रहे हो 50 सीट। मैं राजस्थान का ऐसी कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां ललित मिश्रा 10-20 बार नहीं गया हो। मैं आपको बता दूं सीकर, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, श्री माधोपुर 30-30 हजार वाली सीटें हैं, नवलगढ़, रतनगढ़, सरदारशहर, तारानगर, सूरसागर, पचपदरा, शिवाना, थानागाजी, धौलपुर, छोटवाड़ा, लाडलो, कोटा, फलोदी, विद्यानगर, सोजत, नाथद्वारा, हिंडोली, सिविल लाइन, बांदीकुई, बूंदी, मालवीय नगर, डूंगरगढ़, मंडलगढ़, जोधपुर, बीकानेर वेस्ट, सांगानेर, बैरोड, आमेर, अलवर, लूणकरण सर, बाड़मेर, किशनपोल, ये सब जगह जाके हमने समीक्षा करके बात की है। अब आप में कितनी ताकत है और ये बीजेपी कांग्रेस में आपका कितना पावर है, ये एक बात आपको एक निवेदन कर दूं, सुनो आप, कि उदयपुर के अंदर में एक बल्लभ नगर सीट है, बल्लभ नगर सीट, और बल्लभ नगर सीट में मैनार या ब्राह्मण 45 हजार है और सारे ब्राह्मण मिला के 85-86 हजार है और आज तक किसी ने वहां आपको टिकट भी नहीं। अरे शर्म करो, इतने ब्राह्मण बैठे हैं, अरे शर्म करो राजस्थान के ब्राह्मणों की, 86 हजार ब्राह्मण होने के बावजूद भी तुम्हें टिकट नहीं मिलती है। एक बार गणपत जी मैनारिया नाम के एक आदमी को टिकट दे दी थी बीजेपी ने और थोड़ा सा बच गया था जमानत जब्त होने से, थोड़ा सा जमानत जब्त होने से 86 हजार ब्राह्मण और जमानत भी नहीं बचा पाते, कैसे बुद्धिमान ब्राह्मण हो, सोचो आप। यह हमारी स्थिति है। मैं आपको स्थिति बताने के लिए मैंने ये बताया है और ये जो सीटें हैं ये इसी प्रकार है पूरे देश में। और मैं एक इसका जो अहम मुद्दा है मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक पार्टियां इस एसटी मुद्दे पे हमें एक बार ये करना होगा, देखिए ब्राह्मण आज से नहीं, हमारा जाट हमारा भाई है, राजपूत हमारा भाई है, की जाते हमारी भाई है और हमने किसी के साथ में कभी भी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, हमने कभी किसी से दुर्व्यवहार नहीं किया, अत्याचार हमने नहीं किया है। अगर एक भी अत्याचार बता दिया जाए कि ब्राह्मण ने यह अत्याचार किया है तो आप जो बोले हम करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई मतलब नहीं, आप आरक्षण उनको कितना भी दो, मगर यार इस देश की जो मूल अधिकार है, जो मूल संवैधानिक व्यवस्था है, उसके अनुसार किसी ने अगर गलत भी बोल दिया कि वो अजय जोशी ने बदमाशी करी है मेरे साथ तो 5-6 महीने तो 6 महीने तो लगाएगा जेल में, एक लोअर कोर्ट में, दूसरा महीना अपर कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट जाएगा तो 10, सामान्य आदमी 10
महीने तक जेल में रहेगा। और उसके बाद में बोल रहा पंडित जी ने तो कुछ नहीं किया, बड़े निर्दोष साबित हुए। तो वो 10 महीना कहां से देंगी गवर्नमेंट, वो 10 महीना कहां से आएगा? हमें कोई मतलब नहीं, हमने कभी आज तक हमने किसी पे अत्याचार किया नहीं है और न करने वाले हैं। अत्याचार तो ये दोनों पार्टियां संवैधानिक अत्याचार कर रही है। समझो आप लोग, आपके ऊपर में कानून का सहारा लेकर के और आपके ऊपर में अत्याचार हो रहा है, इसका विरोध कीजिए। सारी व्यवस्थाएं आपके पास में है, आप सोचिए। एक मंदिर मापी की जमीन है, वो भी ब्राह्मण को, तो मंदिरों में वो मिलनी चाहिए। ये 5 मांग है। अब ये सारी व्यवस्थाएं हो गई। अब मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से निवेदन करता हूं, अमित शाह जी के पास में ये जो लेटर है ये भिजवा रहा हूं, राहुल गांधी जी के पास में ये लेटर भिजवा रहा हूं, अशोक जी गहलोत के पास में हमारी ये मांग जाएगी, पायलट साहब के साथ में जाएगी, वो सुंदरा राजा जी के पास में, और वो सैनी साहब जो नए अध्यक्ष बने हैं मदन जी सैनी के पास में। और आप लोगों ने 15 दिन तक, आप ये मत समझना मैं तो बड़ा खुश हूं, मैं तो 5-5 ब्राह्मणों में गया हूं, ये हजारों ब्राह्मण बैठे हैं, तो 10,000 कर लीजिए या 100 कर लीजिए, ये इतने ब्राह्मण है। समझे कि नहीं आप? हमारी बात कहां तक जाएगी? हमने ये बात गांव गांव तक पहुंचाई है, पूरे राजस्थान में पहुंचाई है। अगर 15 दिन में हमारी मांगों पर आपने विचार नहीं किया और जो नया एजेंडा बन रहा है, तो निश्चित तौर पे हम दूसरी व्यवस्था करेंगे। हम निर्दलीय को खड़ा कर देंगे, हम अन्य बात और कर देंगे, हमारे पास विकल्प खुल रहे, हम नोटा का प्रयोग भी कर सकते हैं, हम निर्दलीय खड़ा कर सकते हैं। हम मतलब मेरा कहने का मतलब बीजेपी और कांग्रेस को हम वोट नहीं देंगे, वोट हमारे और राज इनका ये नहीं चलेगा। आप अपने वोट की कीमत सोचिए कि हमारे वोट की कीमत कितनी है, इस लोकतंत्र में वोट की क्या महत्ता है, ये आपको समझना होगा। और ये दोनों पार्टियां 15 दिन में दे देंगी तो जयपुर में कॉन्फ्रेंस करके और हम एक कोई सा निर्णय लेंगे, निश्चित तौर पे ब्राह्मण समाज हमारे साथ होगा। एक बार सारे के सारे दोनों हाथ ऊपर करके इस बात का समर्थन कीजिए, दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। और हम संकल्प लेते हैं कि हमारी बात नहीं मांगी गई तो हम दोनों पार्टियों को नेस्ताभूत कर देंगे। आप हमेशा साथ रहिए तो सारी व्यवस्थाएं बनेगी। जय श्री भगवान परशुराम। बहुत बुलंदी से एक नारा लगाए कि दिल्ली तक आवाज पहुंचनी चाहिए, बोल भगवान परशुराम की। मेरा सभी बंधुओं से अनुरोध है, 5 मिनट का और समय है, क्योंकि आचार संहिता के रहते हुए 3 बजे के बाद आप मीटिंग नहीं कर पाएंगे, 3 बजे तक ही हमारे पास समय है, मात्र 6 मिनट का समय बचा है। मंच पर विराजमान हमारी आज इस सभा जिनकी जो प्रेरणा स्रोत ललित मिश्रा जी, मेरे छोटे भाई और राजस्थान ब्राह्मण महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष आरएस जैमिनी साहब, विजय बसावतिया जी, दीक्षांत शर्मा जी, रामेश्वर श्रोती साहब, मधुसूदन जी, मोहन सिंह गौर जी, भाइयों, अरे भाइयों सुनो, अरे अध्यक्ष भाषण हुआ एक बार तो बताओ। करता हूं मातृशक्ति के रूप में हमारी दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती जैसी मेरी बहन, हमारे सभी सम्मानित भाइयों और राजस्थान के विभिन्न स्थानों से पधारे हुए मेरे सभी मित्र बंधुओं, आपके चरणों की रज को मस्तक पर लगाते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने सभी बिंदुओं को बहुत विस्तार से आपको अपने उद्बोधन में अपनी पीड़ा व्यक्त की है। ललित जी ने एक 5 सूत्रीय कार्यक्रम जो मांग रखेंगे अभी, वो भी अभी प्रस्तुत किया है। मित्रों, हम 14% की जो मांग कर रहे हैं या जो मांग की है,
वो ब्राह्मण समाज के लिए नहीं, आर्थिक आधार पर सभी सवर्ण वर्गों के लिए मांग है। मैंने कई मेरे पूर्व वक्ताओं के मैं वक्तव्य सुन रहा था, मुझे कई जगह बड़ी बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है। मित्रों, मैं निश्चित रूप से जो सबसे बड़ी हमारी कमी स्थिति क्या है, हम स्टेज पे चाहे कुछ भी बात कर लें, पहली बात ये तय है कि ब्राह्मण 40 से 80 हजार की संख्या में 50 सीटों पर है और 200 की 200 सीटें ऐसी हैं जिसमें ब्राह्मण निश्चित रूप से फैसला बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन ब्राह्मण तभी सीटों पर जीत सकता है जब हम अन्य जातियों को भी अपने साथ सद्भावना के रूप में अगर हम साथ जोड़ेंगे तभी हमारा वही ब्राह्मण तभी पूजने होगा, आदरणीय होगा, सम्माननीय होगा, क्योंकि आपका सम्मान कौन करता है? ब्राह्मण ब्राह्मण का सम्मान करता है, वो तो मैं सामने ही देख रहा हूं। जो सम्मान आपका करता था वही आपसे करता चला जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि कहां से शुरू करूं, कहां करूं मैं अंत। आप में ही परशुराम है, आप ही में है संत। तो ये सबके सामने आई वो ठीक ब्राह्मण संगठित नहीं है, ये सब एहसास करते हैं कि ब्राह्मण संगठित नहीं है। हमारे पत्रकार बंधु भी यहां पधारे हुए हैं सब, और आचार संहिता हमें समय से एक मिनट भी आगे परमिट नहीं करती। आप सभी लोग यहां पधारे, आपने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ये वही स्थान है जहां से 22 नवंबर 2002 को ब्राह्मण रैलियों की शुरुआत हुई। मुझे लगता है 2018 में ये स्थान पुनः याद कराएगा और राजस्थान के समस्त ब्राह्मणों को एकजुट करने का अगर कोई शुरुआत हुई है तो पुनः सदित जी कैसे हुई है। आगे जब भी ललित जी या कोई भी ब्राह्मण की अगर राजस्थान स्तर की रैली हो, सभी से मेरा अनुरोध है सब उसमें पधार करके ब्राह्मण संगठन की शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। आप सभी पधारे, स्वागत किया, सम्मान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात सुनो, शेष है क्योंकि 3 बजे तक को समय हो, एक मन की बात आप बताओ कि आप ब्राह्मण तो अपना विद्वान है, बहुत सारी पर्चिया आई कि भाई मैं भी व्यक्तित्व दिया पर दो रूप से समापन करते हैं। जय परशुराम।